वाले अगर एक बार झूठे को भी ये बोल देना चाहे हेल्प ना करे, बस ये कह दे तू आगे बढ़ मैं खड़ा हूँ पीछे, तो गुरु जी हिम्मत बनी रहती है कि जो होगा वो देखा जाएगा। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल गाइस। सो आज हम ट्रेन करेंगे शोल्डर, और ट्रेनिंग का कुछ ऐसा चल रहा है कि आज एनर्जी उस लेवल की नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि कार्ब्स लोडिंग कम है दो दिन से, तो उस वजह से थोड़ा एनर्जी कम है। और मॉर्निंग में भी मैंने ट्रेनिंग की है और दो ढाई घंटे यार ड्राइव करके भी आया हूँ, थोड़ा वो एनर्जी लेवल नहीं लग रहा है, बट 100% देंगे, एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ मैं एक्चुअल में यहाँ पर, बट जो सच है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ शायद आपको वीडियो में देखने को मिल सकती है। तो जल्दी से चलते हैं गुरुजी के पास में और आज ट्रेनिंग करते हैं, गुरुजी से बात करते हैं। मे भी आज गुरुजी कंडीशन देखें पूछे, क्योंकि मैंने गुरुजी को बीच में बोल दिया था कि मैं गुरुजी कॉम्पीट नहीं करना चाहता हूँ इस बार। सो गुरुजी सेट ठीक है, अगर माइंडसेट ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे, लेट्स सी गुरुजी क्या कहते हैं, चलते हैं पीछे। Thank you.
कोई ज्यादा समस्या तो मुझे बता, गेम तो तेरा निकलवाई नहीं भाई। है ही गुरु जी, समस्या तो काफी पिछले कई सालों से तो नहीं चला था अब तक, और अब बिल्कुल पेशेंस लेस हो गया। आगे मैंने कभी किसी से शेयर भी नहीं किया। लेवल पा के गेम तो भी छोड़ना है, तो 2 महीने रह गए गेम को छोड़ना है वो, इसीलिए फिर मैंने सोचा वहीं से तरक्की होनी है। अब मेरी ना खाली हमें शायद करना है, कम खर्चे भी कर लेंगे, ठीक है ना, फिर भी चालू हो जाएगा। बस ये कहते तू आगे बढ़, मैं खड़ा हूँ पीछे, तो गुरुजी हिम्मत बनी रहती है कि जो होगा वो देखा जाएगा। और मेरे पास आज तक नहीं बोला, बोला पैर खराब करता है, मुझे भी बोला मुझे मेडल लेके घर गया हूँ, पैर छुए पापा जी, पापा जी मेडल लिए आया जब मेरे, हाँ ठीक है बस मेरे बोलते हैं
तो आज का जो शोल्डर की ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। दो दिन से ना थोड़ा कार्ब्स लोडिंग कम कराई है गुरुजी ने। 30 तारीख को एनपीसी है, गेम है, तो कार्ब लोडिंग थोड़ा कम करेंगे अभी इस टाइम पे। बीच में पता नहीं फिर से शायद लोडिंग कराएंगे गुरुजी। थोड़ा बॉडी में फैट ज़्यादा है क्योंकि 30 को खेलना है, तो थोड़ा फैट परसेंटेज कम करना पड़ेगा। कैलोरीज कम कर रहे हैं, कार्डियो बढ़ा दिया है गुरुजी ने थोड़ा, दो टाइम कार्डियो, फास्टेड कार्डियो भी ऐड किया है अभी 15-20 मिनट गुरुजी ने मॉर्निंग में। और ट्रेनिंग भी मेरी दो टाइम हो चुकी है, मॉर्निंग में भी करना पड़ता है, इवनिंग में भी। तो
कहने का मतलब ये है कि एनर्जी ना बिल्कुल रहती नहीं है इस टाइम तक, और ढाई तीन घंटे इतना लंबा ड्राइव करके यहाँ पे आना थोड़ा टफ हो जाता है। तो थोड़ा आज वो एनर्जी लेवल मुझे नहीं लगा आज की ट्रेनिंग में, एंड उसे लेके मैं थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हूँ ट्रेनिंग को लेके। कल जो ट्रेनिंग होगी, आज मैंने गुरु जी से बात की है, सो कार्ब लोडिंग थोड़ा ज़्यादा करेंगे पोस्ट मील में। हालांकि इवनिंग ट्रेनिंग के बाद में पोस्ट मील में मेरा कार्ब लोडिंग नहीं होती, सिर्फ प्रोटीन इंटेक होता है। सो आज हम थोड़ा 100-150 ग्राम कार्ब लोडिंग करेंगे ताकि कल की ट्रेनिंग के लिए थोड़ी एनर्जी बॉडी के अंदर रहे, और थोड़ा कार्डियो हम और बढ़ा देंगे। तो वो चीज़ ना सारी बैलेंस हो जाती है। तो यही तरीका होता है बॉडी बिल्डिंग, यू नो, कैलोरीज आप इनटेक में कितना ले रहे हो, फिर बर्न कितना कर रहे हो, यही सब होता है। तो हमें कुल मिला के ना बैलेंस करना होता है। तो अगर आप ज़्यादा खा रहे हो तो कार्डियो बढ़ा दो, ट्रेनिंग बढ़ा दो, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करनी पड़ेगी, एंड वही हम कल करेंगे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर कर देना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और मेरी फिजिक और कंडीशन देख कर आपको क्या लग रहा है, कैसी कंडीशन है, कितने चेंजेस आए हैं एज कम्पेरेटेबल टू माई लास्ट प्रेप, तो वो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।